हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं नेहा फ्रॉम राजकुमारी ड्रेस अप्लाई का प्रिंसेस। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं कुछ हमारे कंपनी के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाती हूं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने 2-3 स्कैम्स के ऊपर टॉपिक कवर किए थे, आज का भी हमारा टॉपिक कुछ उसी से रिलेटेड है। आज का टॉपिक हमने डिसाइड किया है डिलीवरी बॉयज स्कैम। क्या होता है कि डिलीवरी बॉयज काफी तरह के स्कैम करते हैं जो कि हमने खुद फेस किए हैं हमारी कंपनी में। आज मैं कुछ उस तरह के स्कैम्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगी, और ताकि आप एक अवेयरनेस आ जाए लोगों में भी और डिलीवरी कंपनियों तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो कुछ एक प्रॉपर एक्शन ले सके इन चीजों के लिए और कुछ मैकेनिज्म डेवलप कर सके। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। एक हमारी एक कस्टमर ने कुछ फैब्रिक्स हमें भेजे थे, काफी सारे फैब्रिक्स थे उसके, और उन्हें कुछ ड्रेसेस कस्टमाइज करानी थी क्योंकि उनकी खुद की कंपनी है और वो बल्क में मैन्युफैक्चरिंग कहीं से करवा रहे हैं। तो उन्हें ट्रायल के लिए हमारे पास भी फैब्रिक भेजने थे। तो उनके फैब्रिक्स जब हमारे पास डिलीवर हुए, तो जो उन्होंने भेजे थे वो फैब्रिक्स तो नहीं थे, पता नहीं क्या उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के यूज्ड कपड़े थे। तो क्योंकि मेरे पास डेली हजारों पैकेट्स आते हैं यहाँ पर, तो हम लोग नहीं चेक कर सकते, ना ही हम वीडियो बना सकते हैं कि हर पैकेट का हम ओपनिंग वीडियो बनाएं, क्योंकि डेली बहुत से पैकेट्स आ रहे हैं। तो जो हमने डिलीवरी कंपनी को कंप्लेन किया कि हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है, हमारे पास ये प्रोडक्ट आए हैं, तो उन्होंने बोला कि आप वीडियो बनाइए, ओपनिंग वीडियो है आपके पास तो वो शेयर कीजिए। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे साथ कि हम डेली ओपनिंग वीडियोस बनाएं। और एक तो ये था एग्जांपल, और इसका हमें आज तक कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। और फिर एक और हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ कि जिसमें क्या था कि एक कुरियर वाले एक डिलीवरी बॉय को एक सीओडी पार्सल डिलीवर करना था, तो उसने क्या किया, वहां पे जाके हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवर किए और जो कस्टमर था उससे पैसे ले लिए और उसने कैंसिल कर दिया प्रोडक्ट। तो इस केस में क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे जब ऑर्डर्स जाते हैं तो हम लोग एक एक ऑर्डर का स्टेटस नहीं ट्रैक कर सकते कि ये डिलीवर हुआ या नहीं हुआ या कैंसिल हो गया क्या हुआ। ये तो बाई चांस हमें पता चल गया कि ये ऑर्डर कैंसिल हुआ है और इसकी हमें सीओडी अमाउंट नहीं मिली, कस्टमर को प्रोडक्ट मिल गई तो उसने भी कोई कंप्लेन नहीं की और हमें उस सीओडी अमाउंट मिली नहीं। बाय चांस किसी तरह से हमें इस ऑर्डर का पता चल गया कि इसका सीओडी अमाउंट हमारे पास नहीं आया है, तो हमने डिलीवरी कंपनी को जब मैसेज किया और सारी इन्फॉर्मेशन हमने कस्टमर से बात की, तो कस्टमर ने बोला कि नहीं, मेरे पास तो प्रोडक्ट मिल चुके हैं। तो इस केस में पूरा का पूरा सेलर का लॉस हो गया, मतलब हमारे प्रोडक्ट तो डिलीवर हो गए, हमें मिला रिटर्न में, उसने डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर कैंसिल करके उस पैकेट के अंदर कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा रख के प्रोडक्ट हमारे पास वापस भेज दिए। और जब हमने ओपन किया तो हमने देखा कि ये तो हमारे प्रोडक्ट है ही नहीं, तो हमने इसके लिए इंक्वायरी करी, बट कस्टमर को भी प्रोडक्ट मिल चुके थे तो, और वो पैसे जो सीओडी अमाउंट थी वो डिलीवरी बॉय ने रख लिए। तो अभी तक इस प्रॉब्लम का भी कोई भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिला है डिलीवरी कंपनीज की तरफ से। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत हजारों एग्जांपल हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जितने ल्यूक्रेटिव हैं, जितने अच्छे हैं, उतने ही इनमें स्कैम्स भी लोग नए नए ढूंढ लेते हैं। जैसे एक बार मेरी सिस्टर ने एक ऑर्डर प्लेस किया था किसी वेबसाइट से, वो यूजुअली ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती है, तो एक डिलीवरी बॉय आया और उसने कहा कि मैम ये आपका पार्सल है, सीओडी पर है, 500 अमाउंट थी, तो मुझे लगा उसने कुछ किया होगा, मैं भी अपना बिजी थी, मैंने 500 रुपए उसको दिए और वो चला गया। जब मेरी सिस्टर ट्रिप से लौट के आई तो उसने खोल के देखा, उसमें एक पुराना टॉप था। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। अब कौन उन चीजों के पीछे, मतलब इतना टाइम नहीं है कि हम लोग फॉलो अप लें और ये करें, तो मेरी बस इन सारे इंसिडेंट्स के थ्रू इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा कि अगर ये वीडियो किसी भी तरह से किसी डिलीवरी कंपनी को मिलता है, मेजरली हम लोग डिलीवरी की सर्विस यूज करते हैं, ऑल्दो उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं जिन पे वर्कआउट करने की जरूरत है, एंड आई एम श्योर दे विल फाइंड सम सॉल्यूशन एंड सम ऑटोमेटेड प्रोसेस, तो कि इन सारे लूप होल्स को चेक कर सकें, डिलीवरी बॉय जो भी स्कैम कर रहे हैं वो ना कर सके। इसके लिए उन्हें कुछ एक ऑटोमेटेड मैकेनिज्म बनानी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया है और इंडिया में लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं,
यहाँ के किस तरह से मुझे स्कैम करना है, इन चीजों के लिए लोगों का दिमाग बहुत चलता है। तो बस मेरी डिलीवरी कंपनी से यही रिक्वेस्ट है कि इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढे और इस तरह के डिलीवरी बॉयज ना कर सके हरकतें, इसके लिए उनके ऊपर भी कुछ एक्शंस लें। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही है, और आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए राजकुमारी ड्रेस अप्लाई के प्रिंसेस के चैनल यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग हमारे, आप ये हल्दी के आउटफिट्स देख रहे हो, हल्दी स्पेशल हमने एक कलेक्शन निकाला है, तो उस कलेक्शन के ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और इसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा आपको, हर चीज हल्दी से रिलेटेड, आउटफिट्स, ज्वेलरी, मदर डॉट मतलब किड्स आउटफिट और एडल्ट वियर भी। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए एंड स्टे ट्यून टू राजकुमारी ड्रेस अप्लाई का प्रिंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड सब्सक्राइबर चैनल। थैंक्स।